प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और मिलकर उनको उनके जन्मदिन की बधाई दी। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था और वो आज 95 साल के हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वहीं बीजेपी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि रहा है। वो कई बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनवरी 2008 में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा था। बीजेपी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उस पंक्ति में सबसे आगे नाम लाल कृष्ण आडवाणी का ही है। गौरतलब है कि आडवाणी देश के गृह मंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। भानु प्रतापपुर के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक आज। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल होंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बनेगी रणनीति। प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस कर सकती है। तो आज अहम बैठक मानी जा रही है ये। इसमें आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया शामिल होंगे। मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव को लेकर, चूंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान कांग्रेस कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की आज की अहम बैठक है। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। धमतरी के भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी पर्यवेक्षकों की टीम अब भानु प्रतापपुर दौरे पर आने वाली है। 9 नवंबर को 4 सदस्यीय टीम भानु प्रतापपुर आएगी। पर्यवेक्षकों में रामविचार नेताम, शिवरतन शर्मा, संतोष पांडे और रंजना साहू शामिल हैं। भानु प्रतापपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी रायशुमारी करेंगे और उम्मीदवारों के नाम की रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे।